So hey everyone, this is Pommy Banata and welcome back to my channel guys. And first of all guys, आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. और अभी मैं हूँ, आई गेस इस जगह का नाम है मांदली. हम आए थे अभी यहाँ पे तेल भरवाने गाड़ी में और वो रही गाड़ी. एंड अभी गाइज सीन ये है कि आज दिवाली है और मेरे को लगा कि क्यों ना मैं अपनी दिवाली आप लोगों के, मतलब कैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम अपनी दिवाली क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. तो आज का व्लॉग आने वाला है दिवाली का. अभी तो फिलहाल हम जा रहे हैं चिड़गांव, यहाँ की जो लोकल मार्केट है वहाँ पे, और काफ़ी पॉपुलर मार्केट है गाइज इधर की, मतलब जिधर मैं रहता हूँ. तो आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है उस जगह. और बाय द वे हम आ भी गए उस जगह से एंड अभी दोबारा जा रहे हैं, वहाँ से कुछ सामान भी लेना है. सो मिलते फिर आपको उसी जगह में. सो गाइज हम पहुंच चुके हैं अभी मार्केट में, ये मार्केट. अभी टाइम 2 बज रहे हैं, अभी मतलब दोपहर के 2 बज रहे हैं. और इस वक्त कहीं हद तक अभी रश कम हुआ है, बट जब हम आगे जाएंगे ना, आगे आपको फिर से रश देखने को मिलेगा. सो गाइज हम आए अभी चाचू के साथ मार्केट, और साथ में है लवो जो कि कुछ कैलकुलेशन कर रहा है. अब तो आ सो गाइज हम अभी थोड़े से ट्रैफिक में फंस गए थे, तो जो आपको भाई साहब दिख रहे हैं पुलिस वाले, उन्होंने अभी ट्रैफिक क्लियर करा. और आज जितने भी पुलिस वाले हैं, मतलब जो आज के दिन गाइज आज दिवाली है और आज के दिन भी पुलिस वाले मतलब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो हैट्स ऑफ उनके लिए जो आज के दिन भी ड्यूटी करते हैं. अरे सो गाइज स्वीट्स हमने ले लिए. और सो गाइज जो नीति का काम हम करने जा रहे हैं वो ये कि मतलब हम ना, मैंने पर्सनली अभी देखा मतलब पुलिस वालों को कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं. और काफ़ी ट्रैफिक था, मतलब जब ट्रैफिक में फंसे थे, मैंने आपको फुटेज दिखाई थी जब हम ट्रैफिक में फंसे थे, तब वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे. मुझे आइडिया आया क्यों ना उनको दिवाली विश किया जाए, और वो भी एक स्वीट के डब्बे के साथ. खुद तो मरेगा साथ में, मुझे भी मरवाएगा. और ये पॉमी भाई, हैप्पी दिवाली सर. मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, बट जो भी था यार सही किया. क्योंकि मैंने इसलिए ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि गाइस देखो ना, पुलिस वाले मतलब आई नो उनकी भी अपनी फैमिली है, बट ऑन ड्यूटी जब वो होते हैं, आपको पता वो लोग कितना वर्क लोड से गुजरते हैं और कितना मतलब कितनी ड्यूटी होती है उनके ऊपर. एंड मैंने ये इनिशिएटिव तभी लिया कि क्योंकि वो भी थोड़े खुश हो जाए, और आज दिवाली है, थोड़ी खुशियाँ उनको भी मिलनी चाहिए. सो गाइस इतना कुछ घूमने के बाद फाइनली मैंने इन लोगों को कन्वेंस कर दिया कि कुछ पहले खा लेते हैं, क्योंकि ये लोग तो खाना खा के आ रखे हैं और मैं खाना खा के नहीं आ रहा हूँ. तो है कल का जो, जिसने कल मैच नहीं देखा भाई, कल का जो मैच था ना भाई, इतना खतरनाक मैच था. बट मैं और चाचू ने तो देख लिया था मैच, बट इसने नहीं देखा था, तो ये अभी हाईलाइट्स देख रहा था मैच के. बाय द वे खाना भी आ गया हमारा, तो पहले खाना खाते थे फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते. सो गाइस अभी फिट 6 बज रहे हैं शाम के, और मैं पहुंच चुका हूँ घर पर. मैंने कुछ सामान लाया, ज्यादा तो नहीं लाया क्योंकि सब सामान पापा ने ला लिया था. तो आज मेन सामान था, आज का जो मेन सामान जो मम्मी ने मंगाया था वो था गाइस ये
ऑनियन हेयर ऑयल मामाअर्थ का। तो ये गाइस मेरे लिए नहीं, ये मम्मी ने मंगाया था। और क्या बोलते मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगा मम्मी के सामने कि मैं भूल गया ये तेल लाना, देखते हैं मम्मी का रिएक्शन। बाकी मैं संभाल लेता हूँ, इसको डालते हैं जेब में। मम्मा पता नहीं अभी क्या रात की तैयारी कर रहे हैं, मम्मी कुछ खाने में कुछ बना रहे हैं। हेलो करो मम्मी, हैप्पी दिवाली बोलो सबको। हैप्पी दिवाली मम्मी। यारो इश, वो तो भूल गया क्या मामर्थ का है जो आपने तेल मंगाया था। क्यों वापस जाएगा? क्यों जाएगा वो? मतलब थैंक यू 500 रुपए देने का। थैंक यू 500 क्या? ठीक है, खुश, हैप्पी।